बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम मतलब कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखते हैं, क्योंकि सब में कार्बन होता है। तो कुछ मैंने लास्ट टर्न पर आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की प्रक्रिया समझाई थी। तो ये कार्बनिक यौगिकों का नामकरण की प्रक्रिया किसने दी? आईयूपीएसी सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी के द्वारा रसायन विज्ञान में जितने भी नियम कानून पढ़ते हैं सब इसी के द्वारा दिए जाते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का कुछ साधारण नाम भी होते हैं, कुछ आईयूपीएसी नाम हम लोग लिखते हैं, क्योंकि सभी में कार्बन है तो कार्बन कॉमन है। अब जब कोई काम चीज़ अलग अलग हो तब तो ठीक रहता है, और जो चीज़ें कॉमन है तो उनके नाम अलग अलग कैसे दिए जाएँ? तो इसके लिए उसने कुछ नियम बनाए और उन नियमों को हम लोग स्टडी करते हैं। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हैलोजन एलिमेंट, हैलोजनी तत्व। तो हैलोजनी तत्व क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है? हैलोजनी तत्व है, हैलोजन एनिमल। ये पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सातवें समूह में है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जब ये कार्बनिक यौगिकों के साथ लगे होंगे तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले लिखते हैं एल्किल ग्रुप, ठीक है ना। जितने कार्बन होते हैं तो उनको कार्बन को हम लिखते हैं, और इसी कार्बन की संख्या को हम रूट वर्ड या मूल शब्द कहते हैं। रूट वर्ड या मूल शब्द, कार्बन की संख्या को गिन करके लिखते हैं। जैसे मैंने बताया था लास्ट टर्म पर, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं, तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं, पांच कार्बन को पेंट कहते हैं। तो लास्ट टर्म पर मैंने ये गिनती बताई थी कार्बन की। तो उसी के आगे अब आज बता रहे हैं कि इनका नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रूट वर्ड कार्बन की संख्या को गिन के लिखते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, जो भी हो, हैं, एल्किल ग्रुप लिखते हैं सूत्र में भी। और फिर इसके बाद इसमें क्या लगाते हैं, इसमें ये सेकंड वर्ड क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं कार्बन की संख्या से। जैसे एक कार्बन है मेथ, तो उसमें क्या लगा देंगे सिंगल, एन लगा देंगे, मेथेन हो जाएगा। डबल बॉन्ड है तो इसमें ईन लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगा देंगे। तो इस प्रकार से पहला शब्द रूट वर्ड होता है, एल्किल ग्रुप लिखते हैं, है ना, रूट वर्ड मूल शब्द होता है जिसमें कार्बन की संख्या को गिन कर लिखते हैं। दूसरा शब्द जो लगता है इसमें जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगा देते हैं। और तीसरा शब्द क्या आता है इसमें, ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा है, कोई भी लगा है, या इसके बाद हम ग्रुप पढ़ेंगे जैसे कि अल्कोहल में OH लगा होता है, एल्डिहाइड में CHO लगा होता है, ठीक है, कीटोन में CO लगा होता है, कार्बोक्सिलिक में COOH लगा होता है। तो ये ग्रुप जो आपके कोर्स में है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम हैलोजन ग्रुप को डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो ये क्रम से लिखते हैं, पहले एल्किल ग्रुप, रूट वर्ड, फिर एन, ईन, आयन, और फिर क्लोरीन के लिए आईयूपीएसी भाषा में, इनके नामकरण में
क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो. ब्रोमीन के लिए लिखते हैं ब्रोमो. आयोडीन के लिए लिखते हैं आयोडो. हाँ, और इनको पहले लिख देते हैं, ठीक है ना. ये शब्द जो हैं सब कैसे हैं? प्रीफिक्स. कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके प्रीफिक्स सफिक्स दोनों होते हैं, लेकिन इसका केवल प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है. प्रीफिक्स का मतलब ये जो रूट वर्ड कार्बन की संख्या है इसके पहले जो चीज लिखी जाएगी वो प्रीफिक्स है, और इसके बाद जो लिखी जाएगी वो सफिक्स कहलाती है. अनुलग्न, हिंदी में अनुलग्न कहते हैं. लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का जो होता है वो सफिक्स या अनुलग्न नहीं होता है, केवल प्रीफिक्स होता है, मतलब पूर्व लग्न जो पहले लिखा जाएगा. और अल्कोहल वगैरह होता तो वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना. तो अब यहाँ पर जैसे कि कुछ फार्मूले लिखते हैं, जैसे कि ये CH3 क्या है? एल्किल ग्रुप है. लास्ट टाइम पे बताया था एल्किल ग्रुप का फार्मूला होता है CnH2n+1. तो n के स्थान पर 1, 2, 3, 4 लिख करके ये एल्किल ग्रुप निकाल सकते हैं. तो जैसे इसका CH3 और एल्किल ग्रुप लगा दें Cl, C2H5 क्या लगा दें Br, C3H7 Cl, C4H9 Br, ठीक है ना. अब इनकी जब संरचना बनती है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर मैंने लास्ट टाइम पर एक में समझा दिया था, केवल स्ट्रक्चर बनाए थे, तो इनमें सभी में सिंगल बॉन्ड लगेंगे. सिंगल बॉन्ड लगेंगे तो इसमें क्या होगा? ए लगेगा सभी में, ठीक है ना. तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका आयुपेसी नाम कैसे लिखेंगे? हाँ, आयुपेसी नाम लिखने के लिए देखिए, इनके साधारण नाम भी होते हैं, आयुपीएसी नाम भी होते हैं. साधारण नाम में क्लोरीन का क्लोराइड लिखेंगे, हैं, ब्रोमीन का ब्रोमाइड लिखेंगे, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड. अब साधारण नाम क्या होते हैं? जैसे ये क्या होगा? CH3 मेथिल होता है, तो इसका नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड, साधारण नाम. ये C2H5Br, तो ये क्या होगा? C2 दो कार्बन एथ, तो इसको क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड. C3 तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रो, तो ये क्या है? प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड. फिर C4H9Br, तो ये क्या हो जाएगा? चार कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटिल ब्रोमाइड. तो इस प्रकार से ये लिखते हैं साधारण नाम. ये IUPAC नाम नहीं है, साधारण नाम. मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये कार्बन की संख्या याद करेंगे तब इसके आगे. अब इसके IUPAC नाम लिखते हैं. IUPAC नाम में क्या आपने बताया कि क्लोरो ब्रोमो आयोडो लिखते हैं और पहले लिख देते हैं. अब देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ, तो क्या लिख देंगे? मेथ. देखो ये हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में एक ही रहता है, आप उसी को हिंदी में मेथेन लिख दीजिए चाहे इंग्लिश में लिख दीजिए, ठीक है ना. इसका जो नाम है, शब्द है विज्ञान के, वो हिंदी या इंग्लिश में एक ही, तो इसमें यह क्या हो जाएगा? मेथ. और सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगा देंगे? एन, तो क्या हो जाएगा? मेथेन. और क्लोरीन लगा है तो इसके लिए क्या लगा देंगे? क्लोरो, ठीक है ना. तो क्लोरो मेथेन. तो IUPAC की भाषा में क्लोरो ब्रोमो आयोडो पहले लिखा जाएगा. रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या है? मेथेन, एक कार्बन है. अब इसी प्रकार से यहां दो कार्बन है तो इसके क्या लिखेंगे? एथ.
ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देंगे, एन, ठीक है, और सफिक्स वाला हो अनुलग्न वाला हो तो पीछे ही लिख देते हैं, और इसका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता नहीं तो पहले लिखे, तो ब्रोमीन के लिए प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ब्रोमो। इसी प्रकार से तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रो, और इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे सिंगल बॉन्ड बनेगा तो क्या बजाएंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और क्लोरीन लगा है तो इसके लिए इसको कहाँ लिखेंगे, रूट वर्ड, मूल शब्द क्या है, प्रोपेन, कार्बन की संख्या को ही रूट वर्ड या मूल शब्द कहते हैं, तो ये रूट वर्ड प्रोपे है तो प्रोपेन, तो यहाँ पर क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स या पूर्व लग्न क्या लगा देंगे, क्लोरो, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। इसी प्रकार से चार कार्बन है, चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, तो चार कार्बन को ब्यूट, ठीक है, चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और इसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगा देंगे, एन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमीन के लिए प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, यहां पर ब्रोमो। तो इस प्रकार से ये साधारण नाम इसके ये लिखे हुए हैं और ये आयुपेसी नाम, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को इनका प्रीफिक्स होता है, मतलब पूर्व लग्न होता है, अनुलग्न इनका या सफिक्स इनका नहीं होता है, और पूर्व लग्न का मतलब जो रूट वर्ड या मूल शब्द के पहले लिखा जाता है, और जो इसके बाद लिखा जाए वो सफिक्स या अनुलग्न होता है, तो इसका अनुलग्न या सफिक्स होता नहीं है, तो इसको आपको पहले ही लिखना है, पूर्व लग्न में ही लिखना है, तो ये पहले आपने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हैलोजनी तत्व हैं, ये हैलोजन एलिमेंट है, इनका क्लियर प्रीफिक्स होता है, साधारण नाम में इनमें क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड इस तरह लिखते हैं, है ना, तो इसका CH3CN मेथिल क्लोराइड, C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, C3H7Cl प्रोपिल क्लोराइड, C4H9Br ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये साधारण नाम, और ये IUPAC नाम, तो असाधारण नाम भी होते हैं IUPAC, लेकिन पेपर में आपको IUPAC नाम लिखने को आते हैं, और पेपर में हो सकता है ये फार्मूले दिए हो तो फार्मूले से आपको IUPAC नाम लिखना हो, और यदि साधारण नाम दिए हैं तो साधारण नाम दिए हो या तो इसका पहले आप फार्मूला लिख दीजिए और फार्मूला लिखने के बाद इसका IUPAC नाम लिखिए, ये दोनों चीज़ें लिखिए, और फार्मूला दिया हुआ है तो डायरेक्ट IUPAC नाम लिख दीजिए, और साधारण नाम दिया है तो पहले इसका फार्मूला लिख दीजिए फिर IUPAC नाम लिखिए, और साधारण नाम में ध्यान रखिए ब्यूटिल है तो C4H9 हो जाएगा, ये फार्मूले एल्किल के जो मैंने लिखवाए थे वो याद करिए, और ब्रोमीन ब्रोमाइड है ब्रोमीन, और IUPAC नाम में ये चीज़ पहले आ जाएगी, ब्रोमो क्लोरो आयडो, और जितने भी रूट वर्ड है वो मेथेथ प्रोब्यूट आ जाएगा, और डबल सिंगल बॉन्ड वाला है तो इसमें एन लगा दीजिए, अगर कहीं संरचना में डबल बॉन्ड होगा तो उसमें ईन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन आएगा। तो आज मैंने आपको हैलोजनी तत्वों के नामकरण कैसे किए जाते हैं वो मैंने आपको समझा दिए, तो इन IUPAC नामों को लिख करके समझ करके प्रैक्टिस करिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है, अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो मैं कल आपको समझाऊंगा। तो ये क्रम से जो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कार्बन की गिनती का नाम दिए हैं, चार्ट बनाया उसको याद करिए, और इसके बाद जो इनमें क्रम से हम फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं, आपको सबसे पहला हैलोजन है, फिर एल्कोहल है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। हाई स्कूल कोर्स में ये केवल 5 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं जो एल्किल ग्रुप के साथ ये CH3, C2H5, C3H7, C4H9 ये एल्किल ग्रुप है, इनके साथ लिख करके इनके IUPAC नाम लिखने, हैलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 5 के आपको पढ़ने।
तो इनको आप जो हैलोजन बताए हैं इसको सही ढंग से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट कंपाउंड्स का जो आई यू पी एस सी नेम होते हैं उनको समझाएंगे। धन्यवाद।